अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के दिन ना ये मैं दूसरी वीडियो अपलोड कर रही हूँ और उसकी वजह ये है कि मेरे पास बहुत सारे वो आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि सबा अहमद कितनी लड़ाई हो रही है और आप उस पर वीडियो भी नहीं बना रही। तो उसकी मैं वजह आपको बताऊँगी ना, तो आप लोग भी बोलेंगे कि ये क्या ड्रामा है। मैं तो वैसे पहले दिन से कह रही हूँ कि ये बहुत बड़ा ड्रामा है, ये ड्रामा है, ये ड्रामा है, लेकिन आप लोग मानते ही नहीं हैं। आप लोगों को तो जाके उनको व्यूज़ देने ही हैं, तो दें उनको जाके व्यूज़। ईद के तीसरे दिन, जिस दिन उनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी, वैसे तो ईद से पहले ही मेरे ख्याल से उनका शुरू हो गया था, तो ईद के तीसरे दिन उन्होंने खानपुर में जाके वो एक बिरयानी सेंटर का, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा, मैं क्योंकि मेरा कज़न है वो खानपुर में ही रहता है और उनके ये हमसाए हैं, तो वहाँ पे जाके इन्होंने बिरयानी खाई है। और अगर मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रही थी कि मैं चाहती थी कि कोई चोरी से उनकी वीडियो बनाए इस तरह। वो लोग बिल्कुल ठीक हैं आपस में, बिल्कुल उनका कोई झगड़ा नहीं है, कोई उनका वो नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ के लिए ड्रामे कर रहे हैं। बाकी आप अगर इनकी पूरी फैमिलीज़ की वो देखें ना, वैसे तो पूरी फैमिली आपको पता है कि व्लॉगिंग करती है, तो अलग अलग एंगल से आप लोग देखें ना, तो आप लोगों को समझ लग जाएगी ये सारा ड्रामा है, सारा फेक है, सारे ऐसे टोपी ड्रामा कर रहे हैं। कोई लड़ाई नहीं हुई इनकी, बिरयानियाँ खा रहे हैं, एक दूसरे को खिला रहे हैं और कोई इनका झगड़ा नहीं है। इस वजह से मैं इनके ऊपर वीडियोस नहीं बना रही थी कि मैं चाहती थी कि मैं अभी ना बनाऊँ, मेरे पास कोई इनका क्लिप आ जाए या कुछ इस तरह। लेकिन पता है ना आपको कि रोज़ रोज़ तो फिर कोई बिरयानियाँ खाने नहीं जाता, लेकिन बहरहाल ईद के तीसरे दिन ये लोग बिरयानी खाने गए हुए थे जब इन्होंने अपनी लड़ाई वाली वीडियो डाली हुई थी। और आप लोग प्लीज़ 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 मत प्रमोट करें इनको, और ऐसे फेक जो यूट्यूबर्स हैं उनको मत प्रमोट करें। और भी बहुत सारे व्लॉगिंग के चैनल हैं, आप वो उन लोगों को आप देखें, उन लोगों को सपोर्ट करें। और अगर गरीबों को सपोर्ट करना है, और भी बहुत सारे गरीब हैं इस पाकिस्तान में जो व्लॉगिंग करते हैं, तो आप उन लोगों को सपोर्ट करें। ऐसे घटिया कंटेंट को प्रमोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं इनकी वीडियोज़ देखने की। और मैं फिर अब जब तक मेरे हाथ में कोई वीडियो नहीं आएगी सब अहमद की, जो मतलब इस टाइप की घूमने फिरने वाली है इस टाइप की, तब तक मैं इनके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी। ऐसे फजूल लगता है ना कि हमारे पास क्या प्रूफ है कि वो बिरयानी खा रहे थे, लेकिन मैं तो अपने जानती हूँ ना कि वो झूठ नहीं बोलते, उनके पड़ोसी हैं ये, तो मुझे पता है कि ये सारा फेक है, ये सारा ड्रामा कर रहे हैं, ऐसे बकवास कर रहे हैं, कोई इनकी लड़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। और एंड में ना मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ आप लोग ना मुझे बेशक सब्सक्राइब ना भी किया करें ना, मुझे सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत नहीं है, मेरी वीडियो को ना मेरे जो ये मैसेज होता है ना इसको दूसरों तक पहुंचा दिया करें, बस इसको शेयर किया करें। क्योंकि मैं जो है ना इस तरह के जो फेक यूट्यूबर्स हैं ना उनके ख़िलाफ़ मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, उनको मैं कहती हूँ कि इनको कोई प्रमोट ना करे जो ड्रामे कर रहे हैं।